दोस्तों फाइनली होंडा हाइनेस के लॉन्च होने के बाद में मार्केट में बहुत ही अच्छा एक नया एड ऑन मॉडल देखने को मिल रहा है एंड इसके वजह से बाकी सभी कंपनीज का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों, चाहे वो रॉयल इनफील्ड हो, चाहे वो जावा हो, चाहे बैनले हो। दोस्तों बैनले का इतना नंबर्स नहीं गेन कर पा रही इसलिए बैनले को हम नहीं करेंगे, बट हम जावा, रॉयल इनफील्ड एंड जो होंडा हाइनेस हैं इन तीनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों कई लोग जो हैं कंपैरिजन में क्लासिक 350 से कंपैरिजन कर रहे हैं हाइनेस का, बट मैं ये कहूँगा कि दोस्तों दोनों में कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों जो इंजन फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से ही हमको जो है कंपैरिजन करना चाहिए, तो क्लासिक के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता हाइनेस का। हाइनेस का सिर्फ अपकमिंग मॉडल जो है मीडियोर के साथ में ही हो सकता है, जावा का इंजन फॉर्मेट जो हो, या चाहे आप हाइनेस का इंजन फॉर्मेट ले लीजिए या चाहे मीडियोर का फाइन ले लीजिए, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड में है। तो अब देख लेते हैं जल्दी से कि तीनों के फीचर्स में क्या डिफरेंस है एंड फिर हम बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तीनों मॉडल की तो आपके सामने ऑलमोस्ट सारी डिटेल आ रही है जिससे कि आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्या है डिफरेंस। मैं सिर्फ जो की फीचर्स हैं वही हाईलाइट करने वाला हूं। पहले अगर बात की जाए इंजन पावर की तो हाइनेस एंड मीटियोर का इंजन पावर सेम है, 350cc का इंजन मिल जाता है, जावा में 300cc का है, बट इसमें पावर डिलीवरी जो है 26 BHP जो है जावा प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों, जो कि हाई है हाइनेस और मीटियोर से। एंड अगर बात की जाए टॉर्क की तो टॉर्क में हाइनेस जो है वो आगे है दोस्तों, 30 Nm का टॉर्क मिल जाता है। अगर गियर की बात की जाए गियर कितने हैं तो वो है हाइनेस एंड मीटियोर में ऑलमोस्ट सेम है, एंड 6-speed गियर जो है आपको जावा में देखने को मिलता है। हाफ डुप्लेक्स फ्रेम जो है आपको हाइनेस मिल रहा है, बाकी डबल गियर फ्रेम जो है आपको दोनों में ही मिलता है मीटियोर एंड जावा में। और सस्पेंशन ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, बस जो मीटियोर में फ्रॉक्स मिल रहे हैं, फ्रंट फ्रॉक्स मिल रहे हैं, सस्पेंशन मिल रहा है वो 41 mm का है, बाकी दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। एंड दोस्तों डिस्क ब्रेक में थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें है, आपके सामने आ रहा होगा। टायर साइज में जो ब्रॉड टायर्स मिल रहे हैं ना वो दोस्तों मीटियोर में मिल रहे हैं, बाकी जावा में पतले मिल रहे हैं और हाइनेस में मीडियम टायर साइज मिल रहा है आपको। व्हील बेस की बात की जाए तो व्हील बेस सबसे कम जो है जावा का है, उसके बाद सबसे हाई जो है वो हाइनेस का है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो हाई सबसे मिल रहा है आपको मीटियोर में दोस्तों। और टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो हाइनेस और मीटियोर जो है ऑलमोस्ट सेम है, जावा का टैंक कैपेसिटी जो है 14 liters का है दोस्तों। मीटियोर और जावा जो है इन दोनों का जो सिटिंग हाइट है ऑलमोस्ट सेम है, 800 mm का आपको सिटिंग हाइट मिल जाता है हाइनेस में। अगर वेट की बात की जाए तो लाइट वेट जो है वो है जावा दोस्तों, और हाइनेस और मीटियोर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है दोस्तों। अगर कलर ऑप्शंस की बात की जाए ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कलर चॉइस भी इंपॉर्टेंट होता है, हर एक बायर्स के लिए लुक भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हाइनेस में और जावा में आपको 6 color ऑप्शंस मिल रहे हैं, और आपको मीटियोर में मिल रहे हैं 7 color ऑप्शन। तीनों ही व्हीकल में आपको, तीनों ही बाइक में आपको ड्यूल चैनल एबीएस के साथ मिलेगा। एंड अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो हाइनेस और मीटियोर में आपको सेमी डिजिटल कंसोल मिल जाता है दोस्तों, और जावा में आपको मिल रहा है एनालॉग डिस्प्ले। दोस्तों कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। जो हाइनेस है उसमें आपको LED हेडलाइट मिल रही है, ब्लूटूथ मिल रहा है, नेविगेशन मिल रहा है, USB पोर्ट्स मिल रहे हैं, अलॉय व्हील मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। 1.90 lakhs के आसपास में इसका एक्सशोरूम प्राइस है। वारंटी जो इसमें 3+3 years का मिल रहा है। अगर मीटियोर की बात की जाए उसमें आपको हिलोजन बल्ब मिल रहा है, ब्लूटूथ नेविगेशन, USB पोर्ट मिल रहा है, अलॉय व्हील मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। 190 के आसपास में इसका भी एक्सशोरूम प्राइस कहा जा रहा है, एंड 3 years बाय 3000 kilometers के ऊपर एक सर्विस मिल रही है आपको इसमें। एंड जावा की बात की जाए तो इसमें हेलोजन भी मिल रहा है, ब्लूटूथ नेविगेशन, USB पोर्ट नहीं है, स्पोक व्हील्स मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। 1.83 lakhs के आसपास में इसका प्राइस है, 2 years बाय 24,000 kilometers तक की सर्विस आपको मिल रही है। स्पेसिफिकेशन देखने के बाद में एक चीज़ तो टोटली क्लियर हो रही है कि दोस्तों जावा बहुत पीछे है अभी फीचर्स के मामले में, इसीलिए जो मार्केट नंबर्स है ना जावा नहीं गेन कर पा रहा। अगर नए मॉडल्स नहीं लाता है जावा तो वो जो है अपना ग्रिप जो है मार्केट से वो धीरे 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 जो है कम करता जाएगा। एंड दोस्तों आजकल जो यंग जनरेशन है उनको जो है रेट्रो के साथ में एडवांस फीचर्स भी चाहिए, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत लोगों के आजकल डिमांड जो है ना वो इंक्रीज हो जा रहे हैं। ऑब्वियसली रोड सेफ्टी या फिर फीचर्स, ये सब चीज़ें जो है आपके राइड में होना चाहिए। आजकल राइडिंग कल्चर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो अगर जावा ने मार्केट में अगर नए मॉडल्स नहीं लाए तो दोस्तों जावा जो है सच में ही सफ़र कर सकती है। अब अगर बात करें मीटियोर के बारे में तो मीटियोर दोस्तों जल्द ही लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट में।
अक्टूबर सेकेंड वीक के आसपास कहा जा रहा है कि ये मॉडल जो है लॉन्च हो सकता है, बट ये अभी भी फिर भी कंफर्म नहीं है। जो डिले था उसके पीछे रीज़न था हाईनेस का। दोस्तों हाईनेस लॉन्च होने वाली थी, इसलिए ही रॉयल एनफील्ड ने जो अपना जो मीटियोर का जो लॉन्च डेट था वो डिले किया हुआ था, बट जल्दी मार्केट में आएगा। अच्छा आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा मीटियोर और हाईनेस के बीच में। दोस्तों अब हम अगर बात करें हाईनेस की, तो आपको एग्जॉस्ट नोट जो है वो रोर और आपको स्पोर्टी साउंड मिलेगा। एंड दोस्तों स्लीपर क्लच के साथ में आ रहा है। स्लीपर क्लच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा एड ऑन होता है इंजन के लिए। एंड दोस्तों इसमें आपको होंडा का सिलेक्टेबल टॉक कंट्रोल मिल रहा है, जिससे कि स्लिप होने के जो चांसेस हैं वो नहीं मिल रहे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, जिसमें वॉइस कंट्रोल मिल रहा है आपको, इसमें कॉल म्यूजिक आपको मैसेज नेविगेशन के फीचर मिल रहे हैं, किल स्विच मिल रहा है दोस्तों आपको, इसमें हाफ डुप्लेक्स फ्रेम मिल रहा है आपको। एंड दोस्तों आपको उसके अंदर मिल रहा है साइड्स एंड सेंसर, और मिल रहा है आपको हैजार्ड सिस्टम। हैजार्ड सिस्टम जो है हाईवे राइड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जो डिस्प्ले कंसोल है दोस्तों, उसमें भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर देखने मिल रहे हैं, जो आपको मार्केट में दूसरे में नहीं देखने मिलते। माइलेज मिल रहा है, एवरेज माइलेज आपको मिल जाएगा, रियल टाइम माइलेज मिल रहा है आपको, बैटरी वोल्टेज देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसमें गियर पोजिशन मिल रहा है आपको, डिस्टेंस टू एम्प्टी दोस्तों, ये सब फीचर जो हैं कार के फीचर्स हैं जो देखने को मिलते हैं। दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फीचर्स मॉडल को देख के एक चीज़ तो लगता है कि होंडा ने अच्छी R&D की हुई थी, वर्क किया हुआ था मार्केट में जो हाईनेस को उतारने से पहले, कि भैया मार्केट में लोगों को क्या चाहिए। एंड एक्चुअल में जो फीचर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। फर्स्ट सेगमेंट में पहली बार ऐसे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एंड मैं टोटली थम्स अप करता हूँ हाईनेस को लेके। एंड एक बार टेस्ट राइड करने को मिलेगा तो जरूर मैं आप लोगों को शेयर करूँगा कैसा इसका राइडिंग एक्सपीरियंस भी है। होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, कि मैंने कंपैरिजन में मैक्सिमम डिटेल कवर की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट में जरूर बताइए अपना क्या आपका बेस्ट मॉडल है, कौन सा आपको बाइक लेना चाहते हैं, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब किए बिना भी बिल्कुल मत जाइएगा। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए ग्रोजी ब्लॉग। ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और कंपेरिजन जो हैं आपके लिए आते रहेंगे। बाय।